बारात लेकर पहुंचे दूल्हे को दहेज की मांग करना पड़ा महंगा, मंडप छोड़ हवालात पहुंच गए दूल्हे राजा। लालच बुरी बला है की कहावत आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इस कहावत की हकीकत उस वक्त देखने को मिली जब बारात लेकर पहुंचे एक दूल्हे ने मंडप में ही दहेज की मांग कर डाली और इसी लालच के जुर्म में दूल्हे राजा मंडप से हवालात पहुंच गए। समाज से दहेज रूपी दानव अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन दहेज के चलते बहन बेटियों को जलाकर मार डालने की घटनाएं सामने आती हैं। इसके बाद भी समाज में इस कुप्रथा पर रोक नहीं लग पा रही। इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया। मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत दौलतपुरवा गाँव का है, जहाँ गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुँचे दूल्हे का जोरदार स्वागत हुआ और लड़का और लड़की की शादी की सभी रस्में पूरी करते हुए शादी के बंधन में बंध गए और बारातियों व दूल्हे के लिए खाना लगाया गया। लेकिन दूल्हे ने जब देखा कि दहेज में फ्रिज नहीं है तो उसकी वजह से वह खाना खाने से इनकार कर दिया और दहेज में फ्रिज की मांग करने लगा। लोगों के मान मनावर व समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना, जिसके बाद मान मनोवल तकरार में बढ़ गई और मारपीट में तब्दील हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दहेज मांगने व मारपीट करने के जुर्म में मंडप से दूल्हे व उनके पिता सहित आधा दर्जन को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया। दुल्हन का आरोप है कि शादी से पहले उनका पति दहेज में मोटरसाइकिल, सोने की चेन, फ्रिज की मांग कर रहा था। पिता गरीब होने के नाते दहेज में वह सिर्फ मोटरसाइकिल ही दे सके, फ्रिज व सोने की चेन नहीं दे सके, जिसके चलते उसके पति ने भरी महफिल में सबके बीच दहेज की मांग की और घर वालों को अपमानित कर उनके साथ मारपीट की। वहीं लड़की का कहना है कि शादी होने के बावजूद भी वह अब दहेज लोभी पति के घर नहीं जाएगी और ना ही यह शादी मुझे स्वीकार है। मतलब हमारी शादी थी, गाड़ी मांग रहे थे बुलेट, फैशन गाड़ी लिया था और सोने का चैन भी मांग रहे थे। हमको मतलब फ़ोन करते थे, धमकी देते थे कि अगर नहीं देंगे तो हम तुमको तुम्हारा क्या हल करेंगे। तो फ्रिज भी मांगा था तो वही बस दहेज में वही नहीं था, इसलिए क्या लड़ाई हो गई। तो आज बारात आई थी, आज आई थी। कहाँ से आई थी? भोरीगंज से। तो क्या हुआ जब आपके घर पहुँचे ये लोग, फिर क्या हुआ? तो हमारे घर पहुँचे तो मतलब निकाह का हुआ आप ही के साथ में? खाना वाना खाई, फिर थोड़ी देर के बाद मतलब जब ये जो देखे फ्रिज नहीं था तो मतलब फ्रिज के लिए बोल रहे थे कि हम ठंडा पानी किसमें पियेंगे, तो वही सब हो रहा था और लेडीज थी वो खाना नहीं खा रही थी। इसलिए खाना नहीं खा रही थी, फ्रिज नहीं था ना इसलिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? मारपीट। तो फिर सोने के चेन मांग रहे, सोने का चेन मांग रहे थे, बुलेट, तो फैशन गाड़ी दिया था। नहीं तो यहाँ नौबत कैसे आ गई? ये जो मांग रहे थे फ्रिज, खाना नहीं खा रहे थे, अचानक मारपीट वाली बात कहाँ से आई? तो अंदर रही थी। अच्छा, ये अंदर थी। जी, तो मतलब ये लोग आए हैं और उसके बाद दहेज के लिए जो कुछ हुआ ये सब दहेज के लिए हुआ। हमको भी फोन करते थे ना तो फोन में कहते थे कि सारा दहेज होना चाहिए शादी के पहले। शादी से पहले ही? ठीक है, ठीक है। बताएं क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम जावेद है, दौलतपुरवा रहने वाले। क्या हुआ पूरी बात आज बताएं? बारात आई थी और हमारे बेटी की शादी थी, हाँ, और खाना पीना खाए पिए अपन ट्रेन से बैठे, दहेज देखे तो उसमें फ्रिज भी कम था, हाँ, तो इन्होंने कहा कि जोन फ्रिज कम है और जोन है तो ये घरे चलो तो बताइए। तो मैंने पूछा बताना है तो यहाँ बता दीजिए, वहाँ क्या है, हाँ, तो लड़के वाले ने तो मेरे बेटी के पास कहा कि चलो घरे तब बताई, और इनके बिटिया इनके बहन दूल्हा के ये तंग हो गए, ना इन्होंने खाना खाया और ना इन्होंने क्या पूछी है, यहीं पर झगड़ा चालू कर देंगे। मार्जिन हमारे बहन का खा लो बाद में दे देंगे। हाँ, हम कहा कि खा लियो बाद में खवाई में फ्रीज मिल जाएगा, तो उनका ढकेल दिए। इसी में बाँस बारात में उसके सहयोगी भी थे तीन लोग, उसमें उन्होंने भी मारा और लड़की के मामा का लड़का था उसे मारा और लड़की के मामी को ढकेल दिया और ये कहा कि जो एक सेकंड चल लो, जाओ अब आप इधर अपना आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो पहले रुक जाओ, पहले पूछेंगे है ना, तो वहाँ से शुरू करिए।
और बीच में कोई नहीं बोलेगा पीछे से। हाँ आप दूसरा कोई नहीं बोलेगा, रोल करें जी। बताएं क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हुआ है पूरा मामला? मैं खिराबा मौजा का निवासी हूँ, दौलतपुरवा ग्राम का। आज शादी थी लड़की की, बराती आए और खाना वगैरह हो गया। जब विदाई का वक्त हुआ तो बरातियों में से दूल्हे की बहन आई और उसने कहा कि जो हमारा तय था गाड़ी उसके बदले बुलेट तय था, उसमें पैशन प्रो है, जबकि फ्रिज नहीं है और न सोने की चैन है, तो ऐसा है हम लड़की नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या बात है, यहाँ बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, जब आप चौथी लेने आएंगे तो वहाँ हो जाएगा। और इसी बात पर पड़ोसी लोग भी थे, उन्होंने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, उन्हें मारा, एक महिला को मारा, टेंट वगैरह ढकेल दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो किसी तरह उन्हें रोका गया। अब वो धमकी दे रहे हैं अगर हम लड़की ले जाएंगे तो लड़की लौट के नहीं आएगी। अतः आप लोगों से भी निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है कि उचित कार्रवाई करें और बहन और बेटियों की इज्जत जो इतनी सस्ती नहीं लग रही है, इतनी सस्ती ना लगे। मतलब एक चोरी दूसरा सीना चोरी, बिल्कुल। यानी आप जो है यहाँ आए, बारात है, उसके बाद दहेज भी मांगे और दहेज के बाद में फिर मारे भी। मारे भी किसको मारे? लड़की के भाई को मारे हैं, लड़की के मामी को मारे हैं। बीच बराव दो तीन लोग किए, उन्हें भी मारा इन्होंने। तो अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग शहर कोतवाली में, नगर कोतवाली हमारे यहाँ लगती है, वहीं पे हम हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग उचित कार्रवाई करते हैं, ये है, उचित कार्रवाई की उम्मीद कर रखते हैं और होता भी है। हम उम्मीद करते हैं उचित कार्रवाई हो और बहन और बेटियों के साथ ऐसा ना हो। शादी तो हो चुकी है ना जी, निकाह हुआ, अब इसके बाद क्या करेंगे? मैं ये करूँगा, मैं अपनी बहन नहीं भेजूँगा। जब ये आदमी जो 5 और 10 व्यक्तियों की गिनती में आया है वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है, जब हमारी लड़की उसके घर होगी तब ये कैसा बर्ताव करेगा? ठीक, अच्छा अच्छा।